अगर गाइस आप जो है यहाँ पर अपने जियो कॉलर ट्यून को एक्टिवेट करना चाहते हैं, गाइस आप जो है जियो कॉलर ट्यून को अगर आपने डीएक्टिवेट कर दिया है या अभी आप जियो के न्यू कस्टमर हो तब हम जो है जियो कॉलर ट्यून को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप करोगे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। और गाइस आप जब अगली बार अपनी जियो कॉलर ट्यून को एक्टिवेट करोगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगा वो स्टेप्स गाइस आप याद रखिए। और आप जो है अगली बार जब जियो कॉलर ट्यून सेट करोगे आपको अगली बार सिलेक्ट करने या सेट करने की जरूरत नहीं होगी गाइस, क्योंकि जब हम पहली बार सेट कर लेते हैं तो वो हमारी जियो कॉलर ट्यून के रूप में जो है सेट हो जाती है। जब उसे डिलीट करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं तब जाके हमें न्यू कॉलर ट्यून उसमें बनानी होती है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि जियो कॉलर ट्यून को किस तरह से एक्टिवेट करेंगे, SMS के जरिए भी दिखाऊंगा और यहाँ पर जो है गाइस मैं आपको मैन्युअल भी दिखाऊंगा कि माई जियो एप्लीकेशन की मदद से हम कैसे यहाँ पर जियो कॉलर ट्यून को एक्टिवेट कर पाएंगे। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। जो प्रोसेस होगी गाइस वो हम मोबाइल की मेन स्क्रीन पर कंप्लीट करेंगे, तो चलिए गाइस मोबाइल की मेन स्क्रीन पर चलते हैं। अभी स्क्रीन पर आ जाने के बाद में गाइस आपको करना क्या है, मैं दो तरीके आपको बताऊंगा कि जियो कॉलर ट्यून को हम किस तरह से एक्टिवेट करेंगे। तो पहला तरीका गाइस मैं आपको यहाँ पर SMS के जरिए दिखाऊंगा कि SMS के जरिए हम किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए गाइस आपको अपना SMS बॉक्स को ओपन करना है और वहां पर स्टार्ट न्यू चैट पर आपको क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू चैट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस आपको 5, 6, 7, 8 और 9 ये नंबर गाइस आपको नोट करने हैं और इन पर आपको जो है गाइस एक SMS भेजना है। वो SMS क्या भेजना है गाइस वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इन नंबर्स पर गाइस आपको मैसेज भेजना है। तो मैसेज भेजना आपको गाइस ये है कि आपको जियो ट्यून भेजना है। तो जियो ट्यून को शॉर्टकट में आप JT लिख दीजिए और यहाँ पर इनको सेंड कर दीजिए। आप जैसे ही ऐसा लिखकर इनको यहाँ पर सेंड करोगे तो यहाँ पर इन्होंने हमें गाइस रिप्लाई किया है और यहाँ पर हम कुछ भी सॉन्ग यहाँ पर जो है इन्हें बोल सकते हैं। अगर आपको गाइस कुछ सॉन्ग पसंद है और उसका नाम आपको पता है गाइस तो आप यहाँ पर उसका नाम भी लिखकर यहाँ पर इनको सेंड कर दीजिए तो वो कन्फर्मेशन आपके लिए आ जाएगी। जैसे कि अभी हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो गए हैं, इसमें बॉलीवुड सॉन्ग और भी काफ़ी सारे हैं, इंटरनेशनल सॉन्ग काफ़ी सारे हैं। तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि हम बॉलीवुड के सॉन्ग देखना चाहते हैं तो बॉलीवुड एक नंबर पर गाइस तो आपको एक लिखकर इनको सेंड करना है। एक लिखकर जैसे ही सेंड करोगे अभी सॉन्ग ऑफ द डे मतलब इस दिन कौन से जो अच्छे सॉन्ग है वो या टॉप 10 सॉन्ग या फिर पॉपुलर सॉन्ग, तो ये हम यहाँ पर सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करेंगे यानी कि टॉप 10 सॉन्ग्स पर मैं क्लिक करूंगा। तो मैं दो नंबर लिखकर इनको सेंड करूंगा। गाइस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो नंबर इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं 1, 2, 3 इन पर गाइस आपको सेंड करना है जो भी गाना आपको बेटर लगे या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं 2 पर सिलेक्ट करूंगा यानी कि टॉप 10 सॉन्ग में से मैं यहाँ पर अपना जो सॉन्ग है वो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में टॉप 10 जो सॉन्ग है वो यहाँ पर आ चुके हैं, जिंदगी और काफ़ी सारे सॉन्ग है तो इनमें जो भी आपको बढ़िया लगे गाइस वो सॉन्ग आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आपको 10 नंबर वाला 7 नंबर 5 नंबर 3 2 1 कुछ भी हो सकता है तो वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि गाइस अगर मैं देखें यहाँ पर तो मैं पहले ही नंबर वाले सॉन्ग पर क्लिक करूंगा, जैसे कि 1 मैंने लिखकर इनको सेंड किया। अभी जैसे ही 1 लिखकर सेंड करूंगा तो यहाँ पर यू हैव सिलेक्टेड ये गाने का नाम आ चुका है जियो ट्यून, प्लीज रिप्लाई दिस SMS ऑप्शन नंबर ऑफ चॉइस टू सेट दिस ट्यून फॉर 1 यानी कि ऑल कॉलर्स के लिए हमें 1 लिखकर इनको सेंड करना होगा तो हमारी जो जियो कॉलर ट्यून है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और कुछ प्रोसेस भी हो सकती है तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। अभी गाइस मैं सेकंड ट्रिक आपको बताता हूँ कि सेकंड ट्रिक क्या है। तो सेकंड ट्रिक के लिए गाइस आपको अपनी MyJio एप्लीकेशंस को ओपन करना है। जैसे ही एप्लीकेशंस ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जियो ट्यून करके, तो आपको जियो ट्यून पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर दोगे गाइस अभी जियो साउंड वाला इंटरफेस आपको देखने को मिल गया है। गाइस यहाँ से आप जियो साउंड एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके भी आप यहाँ पर जियो ट्यून को सेट कर सकते हो, लेकिन MyJio एप्लीकेशंस में ही गाइस इतने फ्यूचर है कि हम यहीं से जियो ट्यून को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे सॉन्ग अभी फिलहाल अवेलेबल है गाइस, यहाँ पर इनको आप फ्री में लगा सकते हो। और गाइस अगर आपको अपने नेम की जियो कॉलर ट्यून लगानी है तो यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है कि नेम जियो ट्यून्स, तो आप इन पर क्लिक करके यहाँ पर जो अपने नाम की जियो ट्यून लगा सकते हो। और टॉप जियो ट्यून भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो जैसे कि अगर मैं नाम पर क्लिक करूँगा गाइस ये फिलहाल अभी पॉपुलर में है, आप अपना नाम यहाँ पर सर्च कीजिए और अपने नाम की कॉलर ट्यून आप यहाँ से लगा सकते हो। और भी काफ़ी सारी जियो ट्यून्स यहाँ पर अभी फिलहाल अवेलेबल है, तो जो भी आपको बढ़िया लगे गाइस वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और उसको सेट कर लीजिए। जैसे कि किसी पर भी मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जियो ट्यून मेरे को आ चुकी है, यहाँ पर ये सारी जियो ट्यून है, आप इनके प्ले कर लीजिए गाइस और जो भी आपको बेटर लगे उन पर आपको बस ऐसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेट जियो ट्यून पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी जियो ट्यून जो है सक्सेसफुली सेट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं गाइस तो यहाँ पर मैं सिंपली सेट जियो ट्यून पर क्लिक करूंगा, वी आर सेटिंग अप टू जियो ट्यून वाला ऑप्शन आ रहा है और जियो ट्यून सक्सेसफुली सेट हो चुकी है। मेरे को मैसेज आ चुका है, आप देख सकते हो कि जियो ट्यून सर्विस हैज़ बीन एक्टिवेटेड, मतलब मेरी जो जियो ट्यून है
वो अभी फिलहाल एक्टिवेट हो चुकी है। आप ऊपर भी देख पाओगे गाइस, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि एक्टिव जियो ट्यून, जो फिलहाल मेरी एक्टिव जियो ट्यून है वो यहाँ पर देखने को मिल गई है। अभी अगर इसे चेंज करना चाहते हो तो यहीं से चेंज भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और गाइस एक बार अगर आपने यहाँ से जियो ट्यून को एक्टिवेट कर लिया, फिर SMS के जरिए अगर करोगे तो वहाँ पर ऑलरेडी सेट जियो ट्यून दिखाएगा, तो आप SMS के जरिए कर लीजिए या आप माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये जो प्रोसेस है ये भी कम्प्लीट कर सकते हो, तो इससे भी आप कर सकते हो गाइस। दोनों ही तरीकों से आपकी जो जियो कॉलर ट्यून है वो इजीली एक्टिवेट हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी गाइस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएंगे गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहे।